Students, today we start a new chapter of mathematics class 9, that is triangle. Triangle में इससे पहले आपने पढ़ा है triangle के बारे में lines and angles में जिसमें हमने triangles के बारे में बताया है. तो आज हम पढ़ेंगे triangles के बारे में. Triangle होता क्या है? ठीक है. Congruency क्या होती है? कौन-कौन से property होती है इसके basis पे? जो भी cylinder में work cross को हम करेंगे. तो आइए start करते हैं सबसे पहले definition से triangle होता क्या है. ठीक है. Here triangle, जो triangle है, ठीक है. ये दो लेटर्स के लिए बना है, ट्राइंगल्स एंगल्स. ठीक है, मतलब कि ट्राइंगल मतलब थ्री और एंगल्स मतलब जानते हैं एंगल, यानी कि ऐसे फिगर जिसमें कितने एंगल्स हैं, तीन एंगल हो वो क्या कहलाएंगे, ट्राइंगल कहलाएंगे. ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो होता है ये क्या होता है, एक फ्लैट शेप का फिगर होता है. ठीक है, जो थ्री साइड से बाउंड होता है. ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तीन एंगल पाते हैं. कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन फिगर जो थ्री लाइन सेगमेंट से बाउंड होता है, ठीक है, वो कहलाता है ट्रायंगल. यानी कि डेफिनेशन में अगर सिंपल डेफिनेशन बोले तो ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, वो ट्रायंगल कहलाएगा. तो अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, थ्री लाइन सेगमेंट्स स्कालर ट्राइंगल. और इसमें क्या होते हैं, इसमें तीन एंगल्स होते हैं, जैसे एक फिगर है. ठीक है, इसमें क्या है, थ्री लाइन सेगमेंट है ए बी बी सी और सी ए आर ए सी. ठीक है, और इसमें क्या बनता है, इसमें तीन एंगल बन रहा है. ये हो गया एक एंगल, एंगल ये हो गया एक एंगल, ये हो गया. कितने एंगल्स हो गए, इसमें तीन एंगल्स हो गए. कौन कौन से हो गए, एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी. या एंगल ए को हम पढ़ सकते हैं, एंगल बी ए सी भी पढ़ सकते हैं, या इसको एंगल सी ए बी पढ़ सकते हैं. बीच में रहे हुआ एंगल कह रहा है. एंगल बी को हम क्या पढ़ सकते हैं, एंगल बी को हम ए बी सी पढ़ सकते हैं एंगल, या इसको हम एंगल सी बी भी पढ़ सकते हैं. बीच वाला जो होता है उसे क्या होता है, एंगल रिलेट करता है. और सी वाले को एंगल बी सी ए पढ़ सकते हैं या एंगल ए सी बी पढ़ सकते हैं. ठीक है, ये होता है एंगल पढ़ने का तरीका. अब एंगल में जो ये पॉइंट जो होते हैं जहाँ दोनों मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स. इससे पहले बता चुके हैं वर्टेक्स है. ये क्या है, ये कहलाएगा वर्टेक्स ए, और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा वर्टेक्स सी, सॉरी वर्टेक्स बी. ये जो होते हैं ये होते हैं आपके साइड, या इसको हम आर साइड. ठीक है, ए बी ए सी कह सकते हैं, या इसको सी ए भी कह सकते हैं. ठीक है, इसमें थ्री साइड्स होते हैं, यानी कि ट्रायंगल जो होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें थ्री एंगल्स होते हैं. ठीक है, और थ्री साइड्स होते हैं. कौन कौन से, ए बी या आप इसको बी ए कह सकते हैं. ठीक है, बी सी या इसको सी बी कह सकते हैं साइड, और ए सी या इसको सी ए कह सकते हैं. तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स बनने वाले फिगर को प्लेन फिगर को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं. ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन ट्रायंगल का होता क्या. ठीक है, अब आते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर. तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब कि ऐसी कोई भी फिगर जिनके सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स और उसके एंगल्स दोनों फिगर के अगर इक्वल मेजरमेंट हो जाए वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. किसी भी फिगर की बात कर रहे हैं, जैसे अगर ये लाइन सेगमेंट ए बी है 5 सेंटीमीटर का. ठीक है, अगर दूसरा कोई लाइन सेगमेंट अगर यहाँ से यहाँ पे कैसे भी बना दें, ये अगर सी डी हो गया, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का है. ठीक है, ये दोनों लाइन सेगमेंट जो होंगे ए बी और सी डी क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का ये क्या होता है, सिंबल होता है. क्या ये सिंबल है किसका, कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट शो करता है. ठीक है, ये सिंबल आपके कॉन्ग्रुएंट शो करता है कि लाइन ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन लाइन सेगमेंट बी सी. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का कोई भी फिगर की अगर बोले कि स्क्वायर दिया हुआ है, अगर ये दोनों स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है. ठीक है, अगर स्क्वायर ए बी सी डी आप कह लेते हैं इसको, और इसको डी ई सॉरी ई एफ जी एच लेते हैं, अगर सारे स्क्वायर की साइड अगर क्या है 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, इसके भी क्या है 6 सेंटीमीटर है. ये दोनों फिगर चूंकि स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये दोनों फिगर जो होंगे कौन कौन से, जो आपका स्क्वायर ए बी सी डी है. ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट
साइड आपका ई एफ जी एच डी, क्योंकि इसके सारे साइड्स 6 सेंटीमीटर और जो एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी कि एंगल्स और साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है क्या है वो सारे इक्वल है मेजरमेंट में, इसीलिए दोनों साइड जो दोनों से जो आपके जो स्क्वायर होंगे वो कॉन्ग्रूएंट कहलाएंगे। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रूएंट होते हैं, ठीक है, तो सेम मेजर होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक क्या है, एक फिगर है, एंगल यहाँ मान लेते हैं ए बी सी, और कोई फिगर ऐसे बना दें और इसका नाम दे दें डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रूएंट तब कहलाएंगे अगर दोनों का एंगल मींस एंगल ए बी सी, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, इज कॉन्ग्रूएंट टू एंगल, अगर एंगल ए बी सी क्या हो एंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में इक्वल अगर एंगल है, यानी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, ये दोनों जो एंगल कहलाएंगे कॉन्ग्रूएंट फिगर कहलाएंगे। ठीक, ये दोनों क्या है ए बी सी इज कॉन्ग्रूएंट टू डी ई एफ, कब, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी तरह क्या होता है अगर सर्किल लेते हैं, कोई सर्किल अगर ले रहे हैं यहाँ पे, ये सर्किल है ठीक है, जिसका रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओ ए लेते हैं, और कोई एक और सर्किल है ठीक है उसका भी रेडियस हम क्या ले लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ले लिया, अगर सेम रेडियाई वाले कोई भी फिगर अगर आपके हैं यहाँ सी ले लीजिए, सेम रेडियाई अगर किसी भी दो सर्किल का सेम रेडियस से बना हुआ सर्किल मिलता है, ये जो सर्किल आपका है सेंटर ओ और सेंटर सी वाला दोनों आपस में कॉन्ग्रूएंट सर्किल कहलाएंगे, क्योंकि इनका रेडियस क्या है सेम। तो यहाँ से कॉन्ग्रूएंसी का मतलब हमने क्या समझा, कॉन्ग्रूएंट फिगर का मतलब ये होता है कोई भी फिगर आपस में कॉन्ग्रूएंट तब होते हैं जब किसी भी दो फिगर्स को कंपेयर करें जब इनके साइड्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड से कह लें और इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, दो फिगर क्या कहलाते हैं वो कॉन्ग्रूएंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी कॉन्ग्रूएंसी के बारे में। कॉन्ग्रूएंसी फिर क्या होता है, ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रूएंट तब होंगे जब इसमें क्या होंगे इनके सारे साइड्स अगर इक्वल मेजर के हों और एंगल्स हों वो इक्वल हो। जैसे कि अगर उस फिगर की बात करें ए बी सी दिया हुआ है और ये फिगर आपका है पी क्यू आर, ठीक है, ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 40 110, ये हो गया 40 और ये हो गया 110 ए बी सी पी क्यू आर। अगर बोलिए इसका मेजर क्या है, अगर ये दोनों ट्रायंगल पूछे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रूएंट है कि नहीं है, तो अगर इनके एंगल्स ये एंगल इस एंगल यहाँ पर जो नहीं ये सही है करस्पॉन्डिंग ये 30 डिग्री है ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 40 है तो वो 10, यानी अगर इसके एंगल सेम होते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको 110 भी सकते हैं, ये 40 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, इस कंडीशन में किसी फिगर के दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएंगे कॉन्ग्रूएंट कहलाएंगे। अब इसमें क्या है कॉन्ग्रूएंसी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनके बेसिस पे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रूएंट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं बताया था, जैसे क्या होता है एक एसएएस प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एक क्या होता है एंगल साइड एंगल होता है, एक आरएचएस होता है, ठीक है, ऐसे क्या करेंगे तीन चार प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है एंगल एंगल साइड होता है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होगी इसके बारे में हम अपलाइन से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसएएस कॉन्ग्रूएंसी के बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एसएएस प्रॉपर्टी से। एसएएस प्रॉपर्टी क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रूएंट तब होते हैं जब इनके दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल जो होता है ट्रायंगल का दूसरे वाले ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के बराबर होता है तब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रूएंट होते हैं। एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल क्या है आपका डी ई एफ, ठीक है, अगर हम इसको ये साइड ले लें 5 सेंटीमीटर, इसको ले लें 6 सेंटीमीटर और ये एंगल ले लें 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा कह रहे हैं इसी फिगर में अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये 45 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है यहाँ पे एक कटती है एक कटती है मतलब इक्वल है, दो कटती है दो कटती है मतलब कि इक्वल है। कह रहा है इस दोनों फिगर में ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ आपके दोनों कॉन्ग्रूएंट तब होंगे जब इस ट्रायंगल का जो साइड्स है, ठीक है, मतलब कि ए बी
अगर AB साइड्स इक्वल हो जाए DE के, एंगल A कहने या इसको हम एंगल, मैं A को A ही दे रहा हूं यार, एंगल A एंगल B के बराबर है, और तीसरा क्या है साइड AC इवन साइड DF के इक्वल है। कह रहा है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब इनके दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा। यहां पे इंक्लूडेड एंगल जो बोल रहा है, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल यहां पे एक बेसिक पॉइंट यहां दे दिया है, क्या है क्या कहने मतलब है कि ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मींस ट्रायंगल एबीसी यहां पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, क्या ऐसा है बी ए या ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, दूसरा क्या है एंगल ए लिख लें या एंगल बी ए सी लिख लें इज इक्वल टू एंगल डी या एंगल ई डी एफ लिख लें, दूसरा हो गया, और तीसरा जो साइड है ए सी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है। तो देखिए एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया, यानी ये क्या हो गया साइड हो गया, ये आपका एंगल हो गया और फिर ये आपका साइड हो गया। तो इन इंप्लाइज करता है कि ट्रायंगल एबीसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है इस ट्रायंगल इसके डीईएफ के, और लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर इसमें एक चीज यहां पे कुछ बदल दे, जैसे कि इसी सेम फिगर में ए बी सी है ये और यहां पे पी क्यू आर लेते हैं, ठीक है, ये दे दिया 45 दे दिए, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यहां को दे दिया 45 दे दिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए यहां पे 5 सेंटीमीटर यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस फिगर में इस रेंज में फिगर में देखें इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर ये जो आपका है एबी जो है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एबी जो है इस पीक्यू के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है 5 सेंटीमीटर, ये एंगल जो बी है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, आप कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी 45 डिग्री, और ये साइड है इसे इक्वल है मींस ई क्यू इज इक्वल टू बी सी 6 सेंटीमीटर, ये साइड एंगल साइड यहां पे साइड है बीच में एंगल है फिर साइड है, साइड है बीच में एंगल है फिर साइड है, ठीक है, इसी क्या होगा आपको ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर इस फिगर को इसमें उठा कर रखेंगे तो क्या होगा ये दोनों आपस में ओवरलैप आ जाएंगे, जैसे पी वाले पॉइंट को इसके ला कर रखेंगे आप तो ये पीआर जो हो जाएगा बीसी के बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर, क्योंकि क्या आपस में क्या है इक्वल है। इस फिगर में भी क्या आपको दिख रहा है, इस फिगर में भी आपको यही दिख रहा होगा कि ये जो साइड है ये भी साइड जो है बी क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये बीसी जो है ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन हमारा बेसिक क्या है कि साइड एंगल साइड बीच में एंगल आना चाहिए इंक्लूडेड एंगल, मतलब कि दो साइड्स के बीच में एंगल होना चाहिए, टू साइड्स के बीच में क्या होना चाहिए एक एंगल होना चाहिए, तभी ये साइड एंगल साइड लगेगा। अगर यही चीज अगर यहां तक देख लेते हैं इसका इसे बता रहा हूं सेम फिगर है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका हो गया, ये ट्रायंगल ये हो गया, अगर ये एल एम एन और पी क्यू आर ये होता है, ठीक है, अगर ये साइड दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड दिया 6 सेंटीमीटर, ये दिया 40 डिग्री, ये दिया 5 सेंटीमीटर, ये दिया 6 सेंटीमीटर और ये दिया क्या 50 डिग्री मान लीजिए, दिया क्या 40 ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे साइड एंगल साइड नहीं लगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये साइड जो है दो साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए, यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एक साइड है, यहाँ पे एंगल दे दिया, तो ये साइड एंगल साइड है नहीं लगे, यानी किसी भी फिगर में दो साइड्स के बीच में एक क्या है ये इन दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, इस साइड और ये साइड मिले तब इसका इंक्लूड होगा, यानी कि ये फिगर में और ये फिगर में क्या होगा ये दोनों क्या होंगे ट्रायंगल एस ए एस से नहीं कॉन्वर्ट होगा, दूसरे ट्रायंगल से कॉन्वर्ट दूसरे प्रॉपर्टी से कॉन्वर्ट हो जाएंगे,
लेकिन अगर यहां पे एस ए एस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे क्या आपका यहां पे साइड है, फिर यहां पे फिर साइड है, एंगल ये नहीं दिया हुआ है, साइड एंगल साइड, यहां पे साइड एंगल ये है दिया नहीं, फिर साइड दिया फिर एंगल दिया, तो यस यस की यहां पे होगा नहीं, ठीक है। तो क्या कहना है आप, यहां पे साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, यानी क्या होगा ये यस ए एस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है, क्योंकि क्या है यहां पे साइड है फिर साइड है और यहां पे एंगल दिया होगा, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो इंक्लूडेड एंगल दो साइड, मतलब दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड होल्ड करेगा, यानी दो साइड बगल में और बीच में होना चाहिए, ये इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, किसके बीच में, दोनों साइड्स के बीच में, तब ये दोनों एंगल आपस में कंपेयर होंगे, ये दोनों एंगल आपस में कंपेयर होंगे, साइड है एंगल है साइड है, साइड है एंगल है साइड है, और इक्वल करस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और जो करस्पोंडिंग एंगल्स है करस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों एंगल आपस में कंपेयर होंगे बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। इसमें क्या चीज नहीं होता है, साइड एंगल साइड होल्ड करता है, बट साइड साइड एंगल को होल्ड नहीं करता है, नॉट होल्ड, ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि साइड साइड एंगल हो जाए, या वो क्या कहना जाए एंगल साइड साइड, ये भी नहीं होता, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ये प्रॉपर्टी होता है साइड एंगल साइड ही होता है, साइड साइड एंगल होल्ड नहीं करता है ये, और ना ही एंगल साइड साइड होल्ड करता है, ये पहली प्रॉपर्टी भी क्या आती है साइड एंगल साइड की। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जिसका नाम है कि आपका एंगल एंगल साइड के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो दूसरी जो थ्योरम जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल के बारे में, ए एस ए के बारे में पढ़ेंगे कि एंगल साइड एंगल क्या होता है, उसके बाद हम एंगल एंगल साइड का क्या करेंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल साइड एंगल क्या मालूम नहीं पढ़ा था क्या, साइड एंगल साइड पढ़ा था, ठीक है, ये एग्जाम था, हम पढ़ेंगे क्या एंगल साइड, इसका मतलब क्या होता है, अब बीच की साइड आ गया और दो किनारे किनारे एंगल होगा, ठीक है। तो दो ट्रायंगल आपस में कंप्लीमेंट तब होंगे जब इनके दो एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड जो होगा, यहां फिर से लिख दीजिएगा टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, मतलब कि दो ट्रायंगल्स अगर गिवन आपके हैं, ये ट्रायंगल आपका क्या है ए बी सी दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल क्या आपका दे दिया है डी ई एफ, अगर गिवन है इन दोनों फिगर में, अगर आपका क्या होगा दो एंगल और वन साइड, जैसे कि इस एंगल को लेते हैं और ये साइड और ये एंगल, इस एंगल को लेते हैं ये साइड और ये एंगल, एक कट का मतलब एक कट, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये साइड एक कट है इसके इक्वल है, और ये साइड दो सिंबल का यूज किए हैं, तो ये सी जो है एफ के इक्वल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट होंगे जब इसके एक एंगल इस करस्पोंडिंग एंगल एक साइड और एक एंगल एक, मतलब कि दो एंगल के बीच में एक इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच में एक इंक्लूडेड साइड, अगर दोनों क्या होते हैं इक्वल एक साइड के और दूसरे ट्रायंगल के बीच क्या होते हैं इक्वल होता है, इस कंडीशन में ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके कंग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पे देखिए ए बी सी जो हो जाएगा कंग्रुएंट डी ई एफ के हो जाएगा, कब, जब एक एंगल एक साइड एक एंगल, एक एंगल एक साइड एक एंगल, दो एंगल्स के बीच में ये इंक्लूडेड जो साइड है, ठीक है, इंक्लूडेड साइड हो जाएगा दो एंगल्स के बीच में आते हैं, तो उस कंडीशन में एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं कंग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें गिवन क्या क्या है, इसमें गिवन देख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन ये दिया है इसमें कि जो आपका ट्रायंगल ए बी जो है, ठीक है, किससे इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी नहीं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई गिवन है, इसको क्लोज अप करते हैं, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, और साइड आपका बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और तीसरा क्या है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ के इक्वल है, ये दो चीज दिया है, अब क्या बी जो इक्वल है ई के हम बी लिखते हैं, बी इक्वल ई के है, बी सी इक्वल ई एफ के है, और ये इसके इक्वल है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल आपका ए बी सी जो है ये क्या है, ये कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले सबसे पहले क्या मिलना है, हमें यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी होंगी जब ये दोनों आपस में ट्रायंगल प्रूफ करेंगे, तो तीन पॉसिबिलिटी होंगी। पहला पॉसिबिलिटी ये है आपका, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या होता है, अगर ए बी जो आपका है इक्वल हो जाए
करना ए बी डी ई की इक्वल है तो हम प्रूफ करना है क्या ये ट्रायंगल से कन्वर्ट है। दूसरा केस क्या बनेगा हमें, दूसरा केस ये बनाया है कि अगर ए बी जो साइड है बड़ा हो जाए बी ई के तब कैसे इसको कन्वर्ट प्रूफ करेंगे। और तीसरा जो केस हमें सॉल्व करना है केस फोर जो आपका है, ठीक है, ये हमें इसमें दिखाना है कि जो आपका साइड ए बी जो है वो छोटा हो जाए किसके डी ई के, मतलब कि डी ई वाला गेट हो जाए किसके ए बी जो हो जाए कि आपका ए बी छोटा हो जाए इसके। तो सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं कि अगर ए बी जो है किसके इक्वल है, ए बी अगर इसके इक्वल होता है तब हम कैसे इसको इस दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट प्रूफ करेंगे। सबसे पहले तो आपको समझ आएगा कि एंगल साइड एंगल कैसे प्रूफ करते हैं, ये एक एंगल एक साइड एक एंगल, ठीक है, इस तरीके से एंगल साइड एंगल से ये एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है, एंगल इस बी इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और इसके एंगल आपके बराबर हो गया, तो एंगल साइड एंगल से दो एंगल आपस में कन्वर्ट हो गए, तो ए एंगल साइड एंगल कन्वर्ट हो गए। अब इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ करना है कि दोनों आपस में क्या है कन्वर्ट है, तो हम तीन केस बताए। सबसे पहला केस ये लेते हैं कि ए बी जो साइड है इस डी ई के बराबर है, तो केस फर्स्ट ये हो गया, केस फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन डालते हैं, ठीक है। तो इस सोल्यूशन में क्या देखेंगे कि हमको पता है कि मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू डी ई, माना कि ए बी साइड किसके बराबर है डी ई साइड के बराबर है, तो हमें दो ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का सिंबल है डी ई एफ में हमें क्या क्या पता है ए बी इज इक्वल टू डी ई, ये गिवन है, क्या माने ए बी इज इक्वल टू हम डी ई एज्यूम किए हैं, ठीक है, ये पहले क्या है पहले ही आपका एज्यूम कर लिया है कि ए बी जो है डी ई के बराबर है। दूसरा क्या आपको दिख रहा है कि एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, ये गिवन है पहले से एक एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है। और तीसरा क्या आपका साइड बी सी जो है साइड ई एफ के इक्वल, ये भी गिवन है, ठीक है। इस तरीके से एक साइड एक एंगल एक साइड यहाँ पे क्या दिख रहा है इसको कन्वर्जेंस प्रूफ कर रहा है दोनों कन्वर्जेंस, ये इंप्लाइज क्या करता है ये शो करता है कि जो ट्रायंगल आपका है कौन सा ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी जो आपका हो गया कन्वर्ज हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया ट्रायंगल डी ई एफ कन्वर्ज हो गया बाय साइड एंगल साइड कन्वर्जेंसी, ठीक है, साइड एंगल साइड कन्वर्जेंस से क्या हो गया ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए ये कन्वर्ज हो गए। ये पहला केस हो गया जब हमने एज्यूम किया है कि ए बी जो इसके क्या है ए बी जो है डी ई के बराबर है। अब आते हैं दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया आपका, दूसरा केस में क्या मान लेते हैं सेकेंड केस में माना कि ए बी जो साइड है डी ई से बड़ा है, क्या माना है कि ए बी जो साइड है डी ई से बड़ा है, तो अगर ए बी साइड डी ई से बड़ा है तो हम कोई एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पॉइंट पी, इसी फिगर में मान लेते हैं क्या है एक पॉइंट पी जो है इसी साइड ए बी पे पॉइंट पी को ऐसे लेते हैं, ठीक है, जैसे कि जो इस पॉइंट लेट मान लीजिए ए बी इज ग्रेटर देन बी ई, ठीक है, ये तो आपने माना ही है, तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन करेंगे सॉल्व करेंगे तो कंस्ट्रक्ट कर लेंगे या क्या लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे कि एक पॉइंट पी भी ऐसे लेंगे, ठीक है, जो क्या होगा इस एंगल सी में आके कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, ये जो है इसको सी में मिला दिया, ठीक है, तो क्या किया कि इफ पॉसिबल मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट क्या पी भी जो आपकी किसके इक्वल कर दें यहाँ पर तो मान लीजिए लेट पॉसिबल है इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन डी ई, मान लेते हैं क्या है कि ए बी जो है डी ई से बड़ा है तो क्या करना पड़ेगा मतलब हमें देन वी टेक अ पॉइंट पी ऑन साइड ए बी सच दैट, इस तरीके से लेंगे कि आप क्या हो जाए जो पी बी जो हो जाए वो इक्वल हो जाए डी ई के, ठीक है, पी बी जो इक्वल हो जाए किसके पी बी इक्वल्स डी ई के बराबर हो जाए। इस केस में क्या होगा जब पी बी इक्वल्स डी ई के पैरेलल लिए मतलब इक्वल इसको सपोज किए हैं, अब हम क्या आते हैं अब हम ट्रायंगल में आते हैं किस ट्रायंगल में नाउ कंपेयर करेंगे इन ट्रायंगल ये वाले पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, पी बी सी और डी ई एफ में क्या करेंगे कंपेयर करेंगे जब पी बी ई और
ईएफ को कंपेयर करेंगे तो आपने पहले ही माना है कि जो पीवी क्या है, पीवी इज इक्वल टू डीवी, ये आपने अज्यूम किया था, ठीक है, पहले केसों में। दूसरा क्या है, एंगल जो बी है ये एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, दिस गिवन, अब बीवी लिख दीजिए, ठीक है। तीसरा क्या आपका जो साइड बीसी जो है, बीसी साइड इज इक्वल टू ईएफ के बराबर है, ये भी क्या है, गिवन है। इससे क्या मिलता है आपको, इससे ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे कौन कौन से ट्रायंगल, ये शो करेगा कि ट्रायंगल पी बी सी जो हो जाएगा ये कॉन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। यानी कि जब आपने किससे, बाय साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये जो ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल पे कॉन्वर्ट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वर्ट हो गए तो मैं शो कर देता हूं, इस फिगर से आपने शो किया कि ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्वर्ट हो गए, जब दोनों कॉन्वर्ट हो गए तो आप इससे पहले जानते थे कि क्या है, ये जो पी बी था इसके इक्वल है। कॉन्वर्जेंसी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एंगल पी सी बी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एंगल डी एफ ई बाई सी पी सी, क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वर्ट एंगल, आपने क्या शो किया कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिंगल प्रूफ कॉमन प्रूफ कर दिया, जब भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्वर्ट होते हैं तो इसके सारे साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इस हिसाब से जो एंगल जो हो जाएगा पीसीबी डीईएफ के बराबर की, ये जो एंगल होगा ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले आपको पता ही था, गिवन था कि एंगल जो आपका एसीबी जो है ये इक्वल था एंगल डीई डीएफई, ये ऑलरेडी गिवन है, पहले ही गिवन है कि जो एंगल सी आपके क्या है आपका एफ के इक्वल है। जब एंगल एसीबी डीईएफ इक्वल है और बीसीबी डीईएफ इक्वल है तो दोनों जो साइड इक्वल होते हैं, एक साइड तो दोनों साइड इक्वल है, आप जस्ट कर दीजिए कि इंप्लाइज क्या करेगा, बीसीबी जो हो जाएगा एंगल एसीबी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि दोनों साइड क्या होगा, ये साइड्स इस एंगल के इक्वल है और इस फिगर में ये पूरा वाला जो है इस एंगल के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशन से जो आपका इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, मींस दैट ये जो छोटा वाला एंगल इसमें जो है इस बड़े वाले एंगल के इक्वल है। और ये पॉसिबल तभी होगा जब ये पॉइंट पी जो करेगा, ये पॉइंट अगर ए पे कोइंसाइड कर जाए, एक ऐसा ही केस होगा जब एंगल दिस एंगल मतलब कि ये एंगल आपस में इक्वल तभी होंगे व्हेन P coincides at A, यानी कि जब दोनों आपस में ओवरलैप कर जाए, P वाला पॉइंट A पे आ जाए, मतलब कि जब P पॉइंट है फिर से A पे आगे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तभी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस तरीके से क्या होगा, ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्ट। ये हो गया आपका दूसरा केस। अब आते हैं तीसरा केस के बारे में। तीसरा केस क्या कहता है, तीसरा केस मैंने ये बताया है कि अगर जो साइड, अभी तो पहला केस पढ़ा कि AB is equal to DE है, दूसरा केस पढ़ा कि AB जो है DE से बड़ा है, और थर्ड केस क्या होता है कि अगर AB जो है इज लेस देन BE तब क्या होगा। तो तीसरा केस देखिए कैसे क्या करते हैं, इसमें भी सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो यहां पे इसको हटा के हम कंस्ट्रक्शन इस फिगर में कर लेंगे और हम इसको कोई पॉइंट P के बाद जो भी देना है उसको पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। सब कुछ वैसे ही रहेगा, जो भी पॉइंट लिखा हो सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पे क्या बनेगा, मैं इसको रब नहीं करूँगा, इसमें बता देता हूँ। ये तीसरा केस जो आपका होगा, तीसरे केस में बस क्या होगा, ये AB इज लेस देन BE, ठीक है, अज्यूम किया है कि Q जो है क्या एक पॉइंट है जो PE पे कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखे Q ऑन साइन TE कोइंसाइड कर रहा है, अब इन दोनों ट्रायंगल जब कंपेयर करेंगे तो ये जो AB जो है, ठीक है, ये AB जो पॉइंट है आपका अब QE के बराबर हो जाएगा, ठीक है, पहला हो गया। सिमिलरली B जो है E के बराबर दिया हुआ है, और ये तो इस कंडीशन क्या होगा, ये आपका ट्रायंगल ABC हो जाएगा, ABC इज कॉन्वर्ट टू ट्रायंगल QEF, QEF का कॉन्वर्ट। जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्वर्ट हो जाएगा तो आपको पता होगा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्वर्ट देन देयर करस्पोंडिंग एंगल्स एंड करस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल। तो इस क्या इंप्लाइज करेगा, ये शो करता है कि जो ट्रायंगल ABC है वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वर्ट हो जाएगा ट्रायंगल
QEF, ये QEF के ट्रायंगल ये दोनों आपस में कंग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट हो गए तो एंगल सी हो जाएगा, इस एंगल भी बन जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, एंगल ACB is equal to एंगल QFE, जब QFE इक्वल हो गया, और इससे पहले आपको गिवन था कि ये जो एंगल है, ACB जो है DEF के इक्वल है, जो कि पहले ही बताया था कि इस ट्रायंगल में एक एंगल भी यहां पे दिया हुआ है, पहले से गिवन है ये, तो यहां से देख सकते हैं C जो है F के इक्वल है, जब C और F आपस में इक्वल है और यहां पे आपने अभी प्रूफ किया है कंप्रेसिव रूल से कि जो ACB जो है AQFE के बराबर है, तो इन दोनों का जो क्या होगा, एक साइड आपस में इक्वल हो जाएगी, ये दोनों साइड क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगी, या देखिए ACB इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू QFC, ये दिख रहा है ना आपको QFC, अब दूसरा क्या दिख रहा है आपको कि ACB जो भी आपको है BFC इक्वल है, तो जब दोनों साइड इक्वल है तो क्या दिखेगा आपको, जो QFC हो जाएगा QFE, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, जब दोनों एक इक्वल साइड का दूसरा साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तो QFC हो जाएगा आपका DFE के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये एंगल जो होगा, ठीक है, ये छोटा वाला एंगल जो होगा इस बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट Q जो है ये कोइंसाइड कर जाए किस पॉइंट पे, D पे, मींस ओवरलैप कर जाए, यानी कि ये पॉइंट Q यहां ना होके ये जो पॉइंट Q है इसी सेम पॉइंट पे लाई करता है, यानी कि आपका ये E हो गया, ये F हो गया, यहीं पे P, यहीं पे D होना चाहिए, यहीं पे Q होना चाहिए, यानी दोनों जब कोइंसाइड करेंगे तभी दोनों एंगल क्या होंगे, ये Q ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे, इस तरीके से क्या होगा, ये तीसरा जो केस है आपका यहां पे सॉल्व होता है, और इस तरीके से दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी ऑफ प्रूफ किए हुए, ये था इसका थ्योरम साइड एंगल का, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा, इसके बाद एक और कैटेगरी इसका है जो एंगल एंगल साइड का है, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, जय हिंद।